हेलो फ्रेंड्स, अपना घर डिजाइन यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज का वीडियो में प्लान है 15 फीट × 45 फीट। आज का प्लान है वेस्ट फेसिंग प्लान है। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। 1 BHK का प्लान है। ये है मेरे चैनल का नाम जो आप देख रहे हैं, अपना घर डिजाइन। ठीक है दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर द्वारा रिकमेंड किया प्लान है तो हमने इसमें सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका कॉलम पोजीशन देखिए, ध्यान से कॉलम पोजीशन मार्क कर रहे हैं। बहुत छोटा प्लान है ये 15 × 45 में। ये है इसका कॉलम पोजीशन, देखते रहें ध्यान से। ये है इसका कॉलम पोजीशन जो कि आप 10 इंच × 10 इंच में देंगे। ठीक है दोस्तों, हो गया कॉलम पोजीशन। अब बात करेंगे साइज। हमने जो वॉल पोजीशन ड्रॉ किया है आप देख रहे हैं, ये बाहर बाहर से है 10 इंच और अंदर अंदर का रखे हैं 5 इंच। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया इसका मेन एंट्रेंस गेट। वेस्ट फेस में है, यहाँ पर गेट आप 4 फीट का लगाएंगे मेन गेट। यहाँ से आप एंटर करेंगे तो अपने ड्राइंग और डाइनिंग हॉल में आएंगे, जो कि साइज कुछ इस प्रकार है। यहाँ से यहाँ तक साइज मिलेगा हमें 13 फीट 2 इंच इधर से, और यहाँ पर साइज मिलेगा 5 फीट 9 इंच और ये जो साइज हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट का। हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया है और यहाँ तक, हालांकि जब स्टेयर अप हो जाएगा तो उसके नीचे भी जगह आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं स्टेयर केस का, जो कि हमने यहाँ से अप किया है 3 फीट की चौड़ाई लेकर के। ऐसे एक लैंडिंग यहाँ होगा, फिर टर्न लेकर के ये ऊपर में निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टेयर जो लेंगे 9 फीट 2 इंच और इधर होगा 6 फीट का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे आपको तो सामने किचन। किचन एज पर वास्तु रखने की कोशिश किया हमने, साइज है यहाँ से यहाँ तक 6 फीट 2 इंच इस साइड से है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट 7 इंच का है साइज। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना बेडरूम जो कि सिंगल बेडरूम है। साइज है 13 फीट 4 इंच इस साइड से और 13 फीट 9 इंच इस साइड से। ठीक है दोस्तों, चलिए हो गया लेटरिन बाथरूम जो कि अपने हमने जो आपको ये दिया ड्राइंग हॉल और डाइनिंग हॉल के ही जस्ट बगल में है। इसकी साइज है 7 फीट 2 इंच इधर से और 4 फीट 7 इंच इस साइड से। चलिए अब बात करेंगे डोर पोजीशन। देखिए डोर कहाँ कहाँ देंगे, ये हो गया मेन गेट। यहाँ से आप आएंगे आगे तो आपको लेट बाथ के लिए यहाँ पे डोर दे देंगे। किचन में ये डोर लगाएंगे और देखिए हमारे सब्सक्राइबर द्वारा तीनों साइड उनका एरिया ब्लॉक है तो हमने वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक OTS प्रोवाइड किया हुआ है।
जिसकी साइज मिल जाएगा आपको 2 फीट 7 इंच इधर से, और इधर साइज हमको मिल जाएगा 10 फीट 7 इंच, ये OTS हो जाएगा। यहाँ पर जो वाल पोजीशन हमने जो 10 इंच बताया, ये यहाँ पर ये 10 इंच नहीं देकर 5 इंच का वाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने एक डोर प्रोवाइड किया है ताकि इस किचन के द्वारा आप इस OTS में आए, इसकी सफाई वगैरह कर सकें, और इस बेडरूम के लिए यहाँ पे डोर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, इसमें हम विंडो पोजिशन दिखा दे रहे हैं। अगर आपके पास एरिया 15x45 के बाद है तो आप विंडो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ स्टेयर के लिए विंडो तो आपको मिल जाएगा, ये फ्रंट में है, ठीक है दोस्तों। अगर एरिया आपका इधर है तो विंडो हमें यहाँ पर दिखा दे रहे हैं अपने ड्राइंग और डाइनिंग हॉल के लिए। एक विंडो यहाँ दे देंगे, एक विंडो बेडरूम में यहाँ, इधर एक विंडो प्रोवाइड कर देंगे, एक विंडो यहाँ बेडरूम में। और अगर विंडो का एरिया नहीं है तो हमने OTS में एक विंडो इस बेडरूम के लिए प्रोवाइड किया है यहाँ पर, और लेट बाथ के लिए वेंटिलेटर यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है दोस्तों। और आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा चौड़ाई इसका 4 फीट 2 इंच का, इसको भी दिखा देते हैं आपको, यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ आपको स्पेस मिलेगा 4 फीट 2 इंच, यहाँ भी स्पेस आपको मिलेगा, स्टेयर अप होने तक का 4 फीट 2 इंच मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का प्लान 15x45, यहाँ से यहाँ तक है 45 फीट, और ये जो साइज है 15 फीट। हमारे सब्सक्राइबर रिक्वायरमेंट का प्लान था, तो हमने सब कुछ इसमें प्रॉपर ढंग से एडजस्ट करने की पूरी कोशिश किया। चलिए प्लान कंप्लीट हो गया, अपना वीडियो समाप्त करते हैं। प्लान कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।